All about narrative writing. This video focuses on developing effective creative writing skills in the students. Learning objectives of this video includes: number one, write an engaging opening to the story that hooks the reader's interest. Number two, use direct and indirect characterization with the detailed passage describing a character. Number three. अब आप कैसे अपनी राइटिंग को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं आप एक स्टार्टिंग में ही एक क्वेश्चन और कॉमेंट डाल सकते हैं सेंट्रल थीम से रिलेटेड ताकि आपके ऑडियंस उसके साथ कोनेक्ट कर सके नंबर टू आप पावरफुल पीस ऑफ डायलॉग

करेक्टर है उसकी ट्रेड कैसी है उसकी क्वालिटीज क्या है शी इज अनॉयड शी इज काइंड वट एवर और इन करेक्टर में क्या करते हैं हम रीडर्स को हिंट देते हैं फेशियल जेस्चर्स हो गए हमारे पास बॉडी टाइप क्लोथिंग डायलॉग्स कि जिससे रीडर को पता चलेगी इसका करेक्टर कैसा है जैसे कि अगर एक करेक्टर बोल्ड ड्रेसिंग कर रहा है तो हम उसे बता सकते हैं कि शी और ही इज अ बोल्ड करेक्टर यूजिंग सेंसरी डिटेल्स टू इस्टेब्लिश सेटिंग आप इस फील्ड में आप क्या करते हो इस पॉइंट पे आके आप फिगरेटिव लैंग्वेज यूज करना स्टार्ट कर देते हो विविड मिजरी डालना स्टार्ट कर देते हो एक सेंसरी डिटेल जो आपकी सेटिंग को और ज़्यादा इनहेंस करे आप छोटी छोटी डिटेल्स बताते हो जैसे एक स्पॉस हम कर लें अगर कि आप एक बर्गर खाने गए तो आपने अपने फ्रेंड को बताया इस तरीके से कि आई ईट फ्राइड क्रिस्पी चिकन With onions on it. आपने क्या किया राइटिंग है उसमें हम और स्ट्रोंग पावरफुल वर्ब्स यूज करना स्टार्ट कर देते हैं जो हमारी एक्शन और मूवमेंट को और अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करें जो और इमोशन बिल्डअप करें हमारी राइटिंग में ये बहुत आसान तरीका है जैसे हम कहते हैं शी स्नैच्ड हर कार कीज एंड स्ट्रॉम्बड आउट द फ्रंट डोर उसने जोर से मारा दरवाज़ा ठीक है तो हमने क्या किया स्नैच्ड हमने वर्ड इस्तेमाल किया स्ट्रॉम्बड इस्तेमाल किया तो ये जो वर्ड्स हैं ये हमारी राइटिंग को और स्ट्रोंग बना रहे हैं और पावरफुल बना रहे हैं इसीलिए हमने स्ट्रॉन्ग वर्ब्स का यूज़ करना ज़रूरी है i hope after following these steps that i have told in this video you would be able to write a powerful piece of writing. so write an eye-catching statement. On number two, we have use direct or indirect categorization. number four, use strong verbs to add to your writing. these factors will help you a lot. that's all for today's video. don't forget to like, comment, subscribe and press the bell icon love us.